हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश। बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की। क्या रोहित शर्मा वाकई इंजर्ड है? क्या वो तीसरे ओडीआई में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? इसके बारे में मैं डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रवीश बिस्ट वन के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तो उसको भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ मीडिया हाउसेज में ये खबर फ्लोट करी जा रही है कि रोहित शर्मा इंजर्ड है, वो इंजरी कंसर्न है उनका, और शायद हो सकता है कि वो तीसरे ओडीआई मुकाबले में ना खेल पाए या उनकी चोट कितनी ज़्यादा गंभीर है। ये सारी चर्चाएँ जो हैं वो चल रही हैं। अब इसमें एक्चुअल बात क्या है वो मैं आपको बताने की आज कोशिश करूंगा, जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बात करी है। इनफैक्ट जो मैंने बात करी है टीम के अंदर, उनका क्या कहना है और क्या वाकई रोहित शर्मा की चोट जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये रोहित शर्मा को चोट लगी भी है नहीं भी लगी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला जो खेला गया उसमें श्रीलंका को जीत मिली। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और बैक टू बैक दूसरा अर्धशतक लगाया। पहले मैच में भी उनका अर्धशतक था, दूसरे मैच में भी उनका अर्धशतक लगाया। इसी दौरान जब बैठ के वो एक छक्का मार रहे थे तो ऐसा लगा कि शायद उनके पैर जो है वो हल्का सा मुड़ा है, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्रैम्प उनको आया है। हालांकि रोहित शर्मा को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बैटिंग करते हुए नजर आए और जब वो चले भी गए तो उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं था कि कहा जाए कि हाँ रोहित शर्मा जो है वो इंजरी उनको हो गई है या इंजरी कंसर्न उनके लिए हो गया है, क्योंकि रोहित शर्मा ने उसके बाद भी बल्लेबाजी की थी। लेकिन इस शॉट को, एक शॉट को लेकर ये बात कही जा रही है कि रोहित शर्मा जब वो शॉट खेल रहे थे तो शायद उनके पैर में हल्की सी मोच आई और हो सकता है कि ये थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है थर्ड ओडीआई के लिए। अब दोस्तों, जो मैंने बीसीसीआई के सोर्सेज से बात करने की जो मैंने बात करी उनसे, वहाँ पे ये बात तो सामने आई कि ऐसा कोई सीरियस कंसर्न तो रोहित शर्मा को लेकर है नहीं। कुछ होगा अगर, भगवान करे ना हो, कुछ होगा अगर तो उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे, बट ऐसा कोई कंसर्न है नहीं। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ गाइस, इस वीडियो को ज़रा देखिए। ये रोहित शर्मा जब वापस जा रहे हैं, मतलब जब मैच खत्म हो गया उसके बाद जब वापस बस में वो बैठ रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि रोहित शर्मा को चलने में कुछ दिक्कत हो रही हो। आप वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, इस वीडियो में आपको साफ पता लग रहा होगा कि रोहित शर्मा को चलने फिरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके पैर में कुछ तकलीफ होती तो शायद या तो रोहित शर्मा हमें लगता कि थोड़ा सा लचक रहे हैं चलने में, या हो सकता था कि अनईजी फील कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। रोहित शर्मा अनईजी जरूर फील कर रहे थे क्योंकि भारत सेकेंड ओडीआई को हार चुका था, उसके बाद वो जा रहे थे, इसको लेकर उनके मन में कुछ अनईजीनेस हो सकती है, बट चलने में लेकर तो ऐसा कुछ भी अनईजीनेस मुझे तो दिखाई नहीं दी। और जैसा मैंने कहा कि बीसीसीआई में मैंने बात करी तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ संकेत आया नहीं कि रोहित शर्मा इंजर्ड हैं या उनका कोई सीरियस इंजरी कंसर्न है, और हम चाहते भी नहीं ऐसा कुछ हो। तो ये जो खबर अभी सामने आ रही है गाइस, अभी इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि रोहित शर्मा को कोई इंजरी हो गई है या वो थर्ड ओडीआई नहीं खेल सकते हैं। खैर दोस्तों, टीम इंडिया ने मैच से पहले भी एक प्रैक्टिस सेशन करना है, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग इस बात को बता रहे हैं कि हाँ भाई रोहित शर्मा को ऐसा लेकर कुछ है, तो बात भी क्लियर हो जाएगी जब रोहित शर्मा प्रैक्टिस करने आएंगे। अभी तो फिलहाल टीम मैनेजमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, और जो फुटेज मैंने आपको दिखाई उसमें भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। रोहित शर्मा तो मस्त मौला अंदाज में जाते हुए नज़र आए हैं वहाँ पर, क्योंकि जब शुभमन गिल को चोट लगी थी, उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जब शुभमन गिल को चोट लगी थी तो उनके नेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था गाइस, और वहाँ पर वो क्लियरली विजिबल था कि हाँ इनके नेक में प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमने बात करी थी टीम मैनेजमेंट से तो उन्होंने कहा था कि नेक का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और वो थर्ड टी ट्वेंटी में खेलेंगे, जो कि वो थर्ड टी ट्वेंटी में खेले। हाय शुभमन, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे रोहित शर्मा का तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी अगर कुछ और अपडेट होगी गाइस इस खबर से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।